बच्चों कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे हैं। मैं आप सबको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 8 द मंगूज एंड द चाइल्ड, और इसका एक्सप्लेन यानी कि इसकी कहानी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आज मैंने बोला था इसका वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज बताने के लिए, है ना? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इसका वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे इसके वर्ड मीनिंग की। ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग दिख रहा है सबको? एच यू टी हट, हट मीन्स झोपड़ी, क्या होता है? झोपड़ी। पी ई टी पेट, पेट मीन्स पालतू, ठीक है, क्या होता है? पालतू। एम ओ एन जी डबल ओ एस ई मंगूज, इसे क्या कहते हैं? नेवला कहते हैं, ठीक है। पी आर ओ टी ई सी टी आई ओ एन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा होता है। सी आर ए डी एल ई क्रैडल, क्रैडल मीन्स पालना या झूला, जिसमें छोटे बच्चे झूला झूलते हैं ना सोने के लिए, वही पालना, ठीक है। आगे देखिए सी आर डबल ई पी आई एन जी क्रीपिंग, क्रीपिंग मीन्स रेंगना या चलना, सांप चलता है ना, रेंगता है ना, उसी को रेंगना कहते हैं, क्रीपिंग। एफ आई जी एच टी फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई होती है। एफ ई ए आर फियर, फियर मीन्स डर, ठीक है। तो इसे आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिखेंगे, सभी लोग कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसका एक्सरसाइज, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर ए है टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां मैं कई बार बता चुका हूं कि क्वेश्चन देगा और कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पर टिक करना है, है ना? तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डिड द कपल लिव, शंकर और पार्वती कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? गांव में। तो इन द विलेज, ठीक है, इन द विलेज पे टिक करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड दे हैव, उनके पास कितने बच्चे थे? वन बच्चा था ना, गणेश। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टिक करेंगे गणेश पे, यानी कि वन पे टिक कर देंगे। विच पेट डिड दे कीप, वे क्या पाले थे? नेवला पाले थे ना, मंगूस। तो यहाँ पे हम लोग मंगूस पे क्या करेंगे? टिक करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सबको? देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसका ये देखिए क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन, लड़के का क्या नाम था? द नेम ऑफ द सन वाज गणेश, क्या नाम था? गणेश नाम था। हु वाज द पेट, पालतू जानवर कौन था? द पेट वाज द मंगूज, मंगूज ही तो था ना। हु हैड अ फियर्स फाइट, भयंकर लड़ाई किनके बीच थी? नेवला और सांप के बीच में भयंकर लड़ाई थी। तो द फियर्स फाइट हैड बिटवीन द मंगूज एंड द स्नेक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द मंगूज किल्ड, मंगूज को कौन मार डाला? तो पार्वती किल्स मंगूज विद अ स्टिक, पार्वती ने डंडे से मंगूज को मार डाला, है ना? तो ये आपका क्या था? क्वेश्चन आंसर था। इसे आप लोग लिखेंगे अपने अपने कॉपी पे, फेयर कॉपी पे लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सी नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। तो पहला है, यहां ब्लैंक था, यहां ब्लैंक था, एंड लिव्ड इन अ हट इन अ विलेज, गांव में कौन रहता था? शंकर और पार्वती। तो क्या क्या हो जाएगा? शंकर और पार्वती। दे हैड अ लिटिल सन, उनका एक छोटा बेटा था गणेश। दे केप्ट अ मंगूज, क्या उन्होंने पाला था? मंगूज को। तो एम ओ एन जी डबल ओ एस ई मंगूज, द मंगूज, यहाँ क्या हो जाएगा? द मंगूज, एम ओ एन जी डबल ओ एस ई मंगूज, डेड देन एंड देयर। तो ये क्या था? आप लोगों का एक्सरसाइज था। इससे आप लोग अपने अपने फेयर कॉपी भी करिएगा। और देखिए यूजिंग ग्रामर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है, व्हाट डू दिस पीपल रियली से, आदमी लोग वास्तव में क्या कहते हैं, है ना?
क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट दिस बॉय सेज, लड़का क्या कहना चाह रहा है? यू कांट कैच मी, आप मुझे नहीं पकड़ सकते हैं, है ना, यही रियल में कहते हैं ना। ऐसे ही आगे देखिए यहाँ पे सेकंड का, वुड दिस गर्ल से आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। थर्ड है वुड दिस मैन से यू आर नॉट फनी, है ना, आप मजाकिया नहीं है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है यहाँ पे, पुट द टू पार्ट्स टुगेदर टू मेक अ गुड सेंटेंस। यहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू करके दिया हुआ, पार्ट वन में कुछ वर्ड दिया हुआ है, पार्ट टू में भी कुछ वर्ड दिया हुआ है ना, तो इन दोनों को मिला करके, साथ में मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है, इसे कॉपी पे लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, द मंगूज किल द स्नैक, मंगूज ने सांप को मार डाला। सी हैड किल्ड द इनोसेंट एंड फैथफुल एनिमल्स, यानी कि जो सेकेंड है उसका लास्ट हो जाएगा। गणेश एंड मंगूज वेयर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, देयर वॉज अ फियर्स फाइट। फियर्स फाइट का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, भयंकर लड़ाई होती है। क्या होता है? भयंकर लड़ाई, ठीक है ना। आगे देखेंगे, सी रैन इन टू द इनर रूम, सी रैन इन टू द इनर रूम, ठीक है। तो इससे आप लोगों को एक एक सेंटेंस बना लेना है सबको, एक पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर देखिए यहां पे आ रहा है क्वेश्चन, आ गया सी नंबर का, मैच द अपोजिट, और अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम या उल्टा होता है, मैंने आप सबको कई बार बताया है। तो यहां पर क्या है, फास्ट है, फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज होता है। तो तेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? धीमा, और धीमा का स्पेलिंग क्या होता है? स्लो। तो फास्ट का क्या हो जाएगा? स्लो, ठीक है। वाइल्ड का क्या हो जाएगा? टीम हो जाएगा। हैवी का क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। हैवी मीन्स भारी होता है, लाइट मीन्स हल्का होता है। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब होता है। और रिच मीन्स क्या होता है? धनी होता है। तो पुअर का रिच हो जाएगा। सेफ मीन्स सुरक्षित, अनसेफ मीन्स असुरक्षित, ठीक है। इसका सेफ का अपोजिट अनसेफ हो जाएगा। डेड मीन्स मरना, अलाइव मीन्स जीना, तो मरना और जीना। हैप्पी मतलब खुश, और सैड मीन्स दुखी, तो हैप्पी का अपोजिट सैड हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आया, इसे आप लोगों को कॉपी भी करना है। आगे देखिए डी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे, ज्वाइन दिस वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड राइट ईच न्यू वर्ड अंडर द करेक्ट पिक्चर, ठीक है। तो यहां देखिए एक इस साइड वर्ड दिया हुआ है, एक इस साइड वर्ड दिया हुआ है, इन दो वर्ड को मैच करा के हमको एक नया वर्ड बनाना है और उसे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे सन दिया है तो फ्लावर से हमने मैच कराया तो क्या हो गया? सनफ्लावर हो गया। ब्लैक दिया है तो बोर्ड से हमने मैच करा के क्या बना दिया? ब्लैक बोर्ड बना दिया। पी दिया है, पी ई ए पी, और सी ओ सी के, पीकॉक मीन्स मोर होता है, तो हम लोगों ने पीकॉक को यहाँ बना दिया है ना, पीकॉक का वर्ड यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद F डबल ओ टी बी ए डबल एल फुटबॉल की स्पेलिंग हो गई यहाँ पे। R A I N रैनबो, इंद्रधनुष, रैनबो मीन्स इंद्रधनुष होता है ना, तो यहाँ पे रैनबो हम लोग लिख दिया, ठीक है। फिर C H A I R चेयर यहाँ पे है ना, और यहाँ क्या है? M A N, तो क्या हो जाएगा? चेयरमैन हो जाएगा। मैच करके क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे? चेयरमैन, ओके। यहाँ पे E का क्वेश्चन देखिए, Look at the pictures and complete the following sentence. Pictures को देखना है और sentence को complete करना है, और sentence को क्या करना है? Complete करना है। देखिए blank सब में दिया हुआ ना, तो picture को देख करके blanks को fill करके sentence को complete करना है, okay? The camel, sorry, the यहाँ पे blank है ना, is in the middle. तो बीच में कौन है? Camel है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Camel लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, द काउ इज टू द लेफ्ट ऑफ द, जो काउ है वो लेफ्ट में है, किसके? कैमल के लेफ्ट में है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? कैमल लिख देंगे। फिर द कैमल इज टू द ऑफ द डियर, कैमल कहां पे है? डियर के लेफ्ट में है, तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग? लेफ्ट लिख देंगे। द टाइगर इज टू द लेफ्ट ऑफ द, टाइगर कहां पे है? मंकी के लेफ्ट में है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? मंकी। द
डियर इज द लास्ट एनिमल, लास्ट एनिमल कौन सा है, डियर है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, डियर लिख देंगे। तो बात समझ में आया क्या करना है यहां पे, इसे आप लोग पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा अपने अपने फेयर कॉपी में और इसे याद करिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।